हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कन्या सुमंगला योजना के बारे में। तो सुमंगला योजना का लाभ 25 अक्टूबर से मिलना शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक सुमंगला योजना का लाभ लोगों को 25 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। सुल्तानपुर में इस योजना की तैयारियों को पंख लगना शुरू हो गया है। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें लाभार्थी को पूरा करना होगा। इस योजना का लाभ उस परिवार को नहीं मिलेगा जिस माता पिता के दो से अधिक बच्चे हों, लेकिन अगर संतानें जुड़वा हैं तो सुमंगला योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बल। प्रदेश सरकार में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कन्या सुमंगला योजना के रूप में एक नई पहल की है। योजना के अंतर्गत बालिकाओं व महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। जिलाधिकारी सी इंदुमती ने बताया कि महिला सशक्तिकरण वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता, महिलाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा करने जिसके क्रियान्वयन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा सुदृढ़ होगी, बल मिलेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि यह योजना महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने का काम करेगी। भ्रूण हत्या, बाल विवाह, कुप्रथा को रोकने व नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की सकारात्मकता की बालिका के जन्म होने पर 2000 रुपये, बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 1000 रुपये, कक्षा एक में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2000 रुपये, कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2000 रुपये तथा कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरांत 3000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिन बालिकाओं ने 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक किया हो व 2 वर्ष से अधिक अवधि का डिप्लोमा कोर्स किया हो, उन्हें 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय कम से कम 3 लाख तक होनी चाहिए। एक दंपति के 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी इसका लाभ दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी आपको दिखाई दे रहा होगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले।